दिल्ली शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। उन्होंने ईडी के आरोपों पर अपना जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ईडी के चारों गवाहों का संबंध बीजेपी से है। उन्होंने कहा कि हवाला एजेंट के पास से गुजराती में लिखी डायरी मिली है, जिसे भाजपा ने अपने हिसाब से सबूत बनाकर पेश किया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि इन सब लोगों के बयानों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ईडी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था। अब केजरीवाल ने भी इस मामले में अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर दिया। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी को 24 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। वहीं सीएम केजरीवाल 27 अप्रैल तक जवाबी हल्फनामा दाखिल करने को कह रहे थे। ईडी के हल्फनामे में कहा गया था कि केजरीवाल की याचिका में कोई दम नहीं है, उनके जांच में सहयोग न करने की वजह से उन्हें गिरफ्तार करना जरूरी था। केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा कि चारों गवाहों का संबंध बीजेपी से है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा समर्थित लोकसभा प्रत्याशी मंगुता श्रीनिवासन रेड्डी भाजपा को तथा कथित शराब घोटाले में 60 करोड़ का चंदा देने वाले शरत रेड्डी भाजपा गोवा के एक सीनियर नेता और प्रमोद सावंत के करीबी सत्य विजय गोवा सीएम की करीबी और सीएम की कैंपेन मैनेजर के बयानों को आधार बनाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा हवाला एजेंट के पास से गुजराती में लिखी डायरी मिली, बीजेपी ने अपने हिसाब से सबूत बनाकर पेश कर दिए। इससे पहले ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल कर दिया था। ईडी ने दावा किया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं और तथ्य आधारित अपराध के लिए किसी की भी गिरफ्तारी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा का उल्लंघन नहीं कर सकती। ईडी ने दावा किया था कि केजरीवाल ने अपने मंत्रियों और आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया और वे आबकारी नीति में दिए गए लाभ के बदले में शराब व्यवसायियों से रिश्वत मांगने में शामिल थे।